Hello friends, myself Jaivir Shah, and in this lecture we are going to completely thoroughly discuss about octane number. This topic is under the syllabus of IC Engine from Gujarat Technological University in Mechanical Engineering Department, particularly for BE 7th SEM students. Okay, and under the point rating of SI engine fuel, so rating of fuel, that is the second topic of the syllabus, and under that topic there is a subtopic rating of the fuel. So we are going to discuss here about octane number and the everything about related to octane number in English, in Hindi plus English. Myself Jaivir Shah, bachelor's from mechanical engineering, master in automobile. In my bachelor's I got 9.47 CPI from the Sardar Patel University. In master's and master's from government engineering college Bhuj with 9.12 CPI. Currently PhD pursuing candidate, assistant professor at Virayatan Institute of Engineering. Patent agent, my Indian patent agent number is 3339, and YouTuber as well as influencer. Okay, तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को इस तरीके से लेते हैं कि ये ऑक्टेन नंबर एक क्वेश्चन में रखता हूं आपके सामने, और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पे. ऑक्टेन नंबर किस तरीके से यूज होते हैं फ्यूल के लिए, मींस एक्चुअल कंडीशन में एक्चुअली कौन सा ऑक्टेन नंबर यूज होता है. तो वो ऑक्टेन नंबर यूज होता है ये वाला रोड ऑक्टेन नंबर. यहां पर ये जो है ना रोड ऑक्टेन नंबर, तो रोड ऑक्टेन नंबर कैसे मिलेगा, रोड ऑक्टेन नंबर होता क्या है. जनरली ये रोड पे चलने वाला ऑक्टेन नंबर, तो ये किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके लिए जानेंगे ताकि हमें ऑक्टेन नंबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए. अगर आप ऑक्टेन नंबर के लिए कोई वीडियो सर्च कर रहे हैं तो ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा. आप वीडियो की जो स्पीड है प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं 1.5 1.75 एंड 2x, इट इज अप टू यू बिकॉज इट इज अ स्मार्ट वे एंड स्मार्ट फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द यूट्यूब. चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्टेन नंबर किस में लगता है. तो ऑक्टेन नंबर एसआई इंजन फ्यूल में लगता है, एसआई इंजन फ्यूल. एग्जांपल एसआई इंजन फ्यूल का गैसोलीन कहते हैं हम इसे, और पेट्रोल भी कहा जाता है. ओके, तो पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर, या फिर ऐसा कह सकते हैं एसआई इंजन के अंदर जितना भी फ्यूल यूज होते हैं उसके लिए ऑक्टेन नंबर रेटिंग्स रहती है. ये तो होगी बड़ी बात, क्लियर बात हो गई. ओ मैंने माइक यहां पर लगाया नहीं था, मैं माइक लगा लेता हूं. ओके, अब शायद आपको वॉइस अच्छी आ रही होगी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. तो ये क्या मेजर करता है, ऑक्टेन नंबर इंडिकेट क्या करता है, या ये मेजर क्या करता है. ऑक्टेन नंबर मेजर्स करता है नॉक प्रॉपर्टी, और यू कैन से एंटी नॉक प्रॉपर्टी. नॉक ना होना चाहिए ये एंश्योर करता है ऑक्टेन नंबर, कि इस इंजन में अगर अच्छे ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल डाला गया है तो यहां पर नॉकिंग नहीं होगी. अब नॉकिंग क्या है, नॉकिंग को वापस हम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता दिया था एट द टाइम ऑफ द सेकंड लेक्चर, दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ द सीरीज, बट सेकंड लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑक्टेन नंबर है क्या, सॉरी नॉक या डिटोनेशन है क्या. नॉक या डिटोनेशन बहुत अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं, जैसे कि यहां पर एक इंजन है, इंजन में जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो फ्लेम्स जलना चालू होगी, यहां से फ्लेम फॉरवर्ड होगी, आगे आगे बढ़ेगी. फ्लेम्स कैसे होती है, जो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर है विद इन द सिलेंडर वो जलना चालू करेगा,
मगर होता क्या है कि बहुत बार इंजन चलने की वजह से, और अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ साइकल्स ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट का जो साइकिल चलता है इंजन का, वो बहुत ज्यादा होने की वजह से जो पिस्टन की सरफेस है या सिलेंडर वॉल की सरफेस है वो इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो अपने आप जलना चालू कर देते हैं, अपने आप सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर लेते हैं और सामने धक्का देते हैं, ये फ्यूल आ रही है, फ्लेम आ रही है नीचे और ये फ्लेम आएगी ऊपर, ये एक दूसरे को टकराएगी और एक नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम नॉक या डिटोनेशन कहते हैं। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम योर साइड, व्हाट डू यू मीन बाय नॉक और डिटोनेशन। तो नॉक और डिटोनेशन ना हो, यानी कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अपने आप फ्यूल ना अटेंड कर ले, उसके लिए जरूरी क्या होता है, ऑक्टेन नंबर हाई होना चाहिए फ्यूल का। तो अभी आप नॉक भी समझ चुके हैं, डिटोनेशन भी समझ चुके हैं। अगर आपका छोटा सा छोटा डाउट है, दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या मैं जो समझा रहा हूं वो प्रोसीजर समझ में नहीं आ रही है, कमेंट कर दीजिए कि सर आपकी प्रोसीजर में मुझे ये कमी लगी या फिर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं 100% आपकी कमेंट का आंसर दूंगा। ओके, अब जो ऑक्टेन नंबर है उसके अंदर दो चीजें देखी जाती है, एक तो होता है आइसो ऑक्टेन और दूसरा होता है एनहेप्टेन। अब ये है क्या, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन फ्यूल के अंदर रहते हैं वैसे ही आइसो ऑक्टेन एंड एनहेप्टेन फ्यूल के अंदर रहते हैं, उसकी एक चेन बनी हुई रहती है। उसमें से जो आइसो ऑक्टेन है, द आइसो ऑक्टेन हैविंग लो बॉइलिंग टेम्परेचर, लो बॉइलिंग, बॉइलिंग यानी बॉइल हो जाना, वेपोराइज हो जाना, तो उसका वेपोराइजेशन टेम्परेचर बहुत कम है और उसकी नॉकिंग टेंडेंसी भी बहुत कम है। इसलिए ऑक्टेन नंबर जो होता है आइसो ऑक्टेन का वो होता है 100, आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर होता है 100। इसका मीनिंग है अगर कोई फ्यूल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइसो ऑक्टेन की चेन है, उसके अंदर कोई भी एन हेप्टेन नहीं है, तो उस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होगा 100। और जिस फ्यूल के अंदर एन हेप्टेन है तो एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर है 0। क्यों? क्योंकि एन हेप्टेन ही ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो एन हेप्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो नॉक प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और आइसो ऑक्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो नॉक प्रोड्यूस नहीं करने देगा। ओके, अब CFRUSA ये वर्ड कहां से आया, यानी इसका मीनिंग है कि किसने इन्वेंट किया ऑक्टेन नंबर को, कौन इन्वेंट किया या किसने इन्वेंट किया, तो उसके लिए एक कमेटी जिम्मेदार है, जो कमेटी का नाम है दैट इज कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च, CFRUSA, कोऑपरेटिव फ्यूल रिसर्च कमेटी। इसने इन्वेंट किया था ऑक्टेन नंबर को, और ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन रहेगी कि आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन की ऐसी चेन जो डिफाइन करे फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को और जिससे नॉकिंग टेंडेंसी कम हो। मुझे पता है कि आपको ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लगी होगी, इसलिए मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं। दी परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन, क्या है डेफिनेशन, दी परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन बाय वॉल्यूम इन दी मिक्सचर ऑफ, बाय वॉल्यूम इन दी मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर किसका है, आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन, विच गिव्स दी सेम एंटीनॉक कैरेक्टरिस्टिक्स एज दी फ्यूल अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, विच गिव्स सेम फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर लिख सकते हो यहां पर सेम एंटीनॉक
फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेन नंबर. अब ऑक्टेन स्केल क्या है? स्केल यानी हम जो मेजर पट्टी रखते हैं ना, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर मेजर करते हैं, वैसे ही ऑक्टेन की भी, ऑक्टेन नंबर की भी स्केल है. तो ऑक्टेन नंबर की स्केल पे क्या लिखा होगा? अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, स्केल तो स्टार्ट होती है 0 से और एंड होगी यहां पर 100 पे. तो चलिए 100 पे क्या लिखा होगा? आइसो ऑक्टेन. और 0 पे क्या लिखा होगा? एन हेप्टेन. तो ये हो गई ऑक्टेन स्केल. अगर ऑक्टेन स्केल के बारे में पूछा जाए तो इसका मीनिंग ये होगा. अब सपोज मैं यहां पर 20 नंबर ले लूं, यहां पर 80 नंबर ले लूं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए मैंने लिखा है कि ऑक्टेन नंबर 80 का मीनिंग क्या हुआ? 80 का मीनिंग हुआ कि इतना क्या है आपके पास? आइसो ऑक्टेन है. 80% ऑफ आइसो ऑक्टेन. तो 20% क्या है? 20% ऑफ एन हेप्टेन. इसका मीनिंग ये हुआ. ओके, ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं? ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा तो हम कंप्रेशन रेशियो को भी ज्यादा कर सकते हैं. अब कंप्रेशन रेशियो क्या है ये समझिए. कंप्रेशन रेशियो का सीधा सीधा मीनिंग समझ लीजिए कि एयर एंड फ्यूल के जो मिक्सचर है उसको हम ज्यादा प्रेशराइज कर सकेंगे. ज्यादा प्रेशराइज कैसे कर सकेंगे? ज्यादा प्रेशर होने की वजह से होता क्या था कि ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता था, और ज्यादा टेम्परेचर के साथ अगर नोकिंग प्रॉपर्टीज जनरेट होती है तो नोकिंग प्रॉपर्टीज की वजह से हमें इंजन पावर कम मिल रहा था. जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, फ्लेम नीचे प्रोपोगेट कर रही है और उसके सामने ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेंड करके जो फ्यूल है नोकिंग टेंडेंसी प्रोड्यूस कर रहा है. नोकिंग होने की वजह से जो फ्लेम की जितनी पावर होती है पिस्टन को धक्का देने के लिए, वो पावर एंटी नोक प्रॉपर्टी की वजह से थोड़ी सी कंज्यूम हो जाती है और हमें पावर कम मिलती है. बट जैसे ही हम हायर ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल यूज करते हैं जहां पर नोकिंग होने के चांसेस नहीं है, तो हम कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा सकते हैं. और कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ गया, अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ गया तो थर्मल एफिशिएंसी एंड पावर आउटपुट बढ़ गया. अगर आपने थर्मोडायनामिक्स अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल दैट इज 1 - 1/r^2 γ-1. ऑटो साइकिल के लिए मैं बात कर रहा हूं. और 1 - 1/r^2 γ-1 यानी r की जितनी वैल्यू आप बढ़ाएंगे उतना ही ये रेशियो कम हो जाएगा. अगर ये रेशियो कम हो गया तो आपका 1 - जितना ये कम होगा उतनी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उतना ही पावर आउटपुट ज्यादा होगा. जो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि फ्लेम प्रोपोगेट होगी, फ्लेम ही धक्का मारेगी पिस्टन को तो ज्यादा पावर प्रोड्यूस होगा. अगर नॉक प्रोड्यूस होगा तभी जाके पावर को कंजप्शन या पावर रिडक्शन हो सकता है. अब सभी इंजन के लिए एक ऑक्टेन की रेंज होती है. जैसे कि कोई कोई इंजन है जिसकी ऑक्टेन की रेंज 60-80 है. यानी आप अगर फ्यूल भरवा रहे हो किसी भी जगह से, पेट्रोल पंप से, उस इंजन के लिए अगर नोकिंग प्रॉपर्टी आपके इंजन के लिए 60-80 रिकमांड की गई है बाय CFR, तो आप अगर 60 से लेके 80 तक का कोई भी फ्यूल अगर आप भरवाएं तो उसमें आपकी गाड़ी नोकिंग टेंडेंसी नहीं करेगी. तो क्या होगा अगर मैं 90 वाला फ्यूल भराऊं तो भी नोकिंग टेंडेंसी नहीं होगी, मगर इसका कुछ ज्यादा इफेक्ट भी नहीं आएगा क्योंकि 80 इज दी अपर लिमिट फॉर योर व्हीकल. इसका मीनिंग ये, इसको कंप्रेशन रेशियो उतना लिमिट करके रखा गया है बस कि वो 80 में भी सस्टेन कर रहा है, तो 90 लेने की कोई जरूरत नहीं है. 90 ले रहे हो तो फिर उसका कंप्रेशन रेशियो और भी बढ़ा दो, और ज्यादा पावर मिलेगा. सिंपल सी बात है. तो 60-80 डिफाइन है तो 90 से कुछ नहीं होने वाला है. यानी रेंज अगर हमने प्लस कर दी, अगर 80 की जगह पर मैं 90 वाला ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल लेके आया
तो ऑक्टेन नंबर परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं देगा। ये समझ में आ गई बात? वेरी गुड। अब ऑक्टेन नंबर को दो मेथड से निकाला जाता है। एक मेथड जिसे हम कहते हैं रिसर्च मेथड एंड दूसरी मेथड है उसे हम कहते हैं मोटर मेथड। इसलिए यहां पर आर का जो मीनिंग है वो है रिसर्च मेथड, रिसर्च ऑक्टेन नंबर, एंड एमओएन जो है उसका मीनिंग है मोटर मेथड। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें होता क्या है रिसर्च मेथड में और मोटर मेथड में? तो यहां पर रिसर्च मेथड में जो स्पीड होती है वो भी कम होता है, एंड मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है, स्पीड एंड मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है वो भी कम होता है। यानी कम टेम्परेचर पे हमें रिसर्च ऑक्टेन नंबर फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट क्या करना है, नॉकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है। अगर नहीं हो रहा है देन इट इज गुड, हो रहा है दैट इज बेड। रिसर्च ऑक्टेन नंबर में तो ज्यादातर स्पीड कम होने की वजह से और मिक्सचर टेम्परेचर कम होने की वजह से नॉकिंग पता नहीं चलता है, यानी लोवेस्ट कंडीशन पे नहीं चलता है। मगर जब हम उसकी स्पीड को अगर हाई कर ले, हाईएस्ट कर ले, मैं बोलूं स्पीड को अगर हाईएस्ट कर ले और मिक्सचर टेम्परेचर को अगर हाईएस्ट कर ले, तो अब नॉकिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा है उस कंडीशन में। तो मोटर ऑक्टेन नंबर किस कंडीशन पे लिया जाता है? हाई स्पीड एंड हाई मिक्सचर टेम्परेचर, एंड रिसर्च ऑक्टेन नंबर लो स्पीड एंड लो मिक्सचर टेम्परेचर पे लिया जाता है। तो अब रोड ऑक्टेन नंबर क्या है? इसमें होता क्या है कि जब हम व्हीकल चलाते हैं तो हम या लो लेवल पे या हाई लेवल पे नहीं चलाते, यानी या तो हमने 10 की स्पीड से व्हीकल चलाई या 120 की स्पीड से चलाई, ऐसा कभी नहीं होता है। हम इंटरमीडिएट रेंज पे चलाते हैं व्हीकल को, इसीलिए इंटरमीडिएट स्पीड के लिए रोड ऑक्टेन नंबर दिया जाता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर प्लस मोटर ऑक्टेन नंबर डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज जो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड रोड ऑक्टेन नंबर। और रोड ऑक्टेन नंबर ही ज्यादातर यूज होता है। अब और एक टर्म आती है फ्यूल सेंसिटिविटी। ये क्या होता है? फ्यूल सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू रिसर्च ऑक्टेन नंबर माइनस मोटर ऑक्टेन नंबर। यहां से जो रेंज निकल के आएगी दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेंसिटिविटी। फ्यूल इतनी सेंसिटिव है कि वो लो स्पीड से लेके हाई स्पीड में इतना रेंज में, इतने रेंज के ऑक्टेन नंबर में वर्क कर रहा है। और आप अगर रिसर्च ऑक्टेन नंबर को समझ पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर और मोटर ऑक्टेन नंबर में ऑक्टेन नंबर किसका ज्यादा होगा, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो ये पूरा डेफिनेशन यानी पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए ऑक्टेन नंबर पे, तो आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है वहां पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देर कितनी है, अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो दूसरों के साथ शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ और भी लोगों के साथ, ताकि नए नए दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आते जाएं और मैं वो नए नए क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ शेयर करता रहूं। थैंक यू।